32 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर के आरसीएनडी इंटर कॉलेज कांटी यूनिट में 2022 से 24 सत्र के कैडेट्स चयन हेतु कैंप लगाकर शारीरिक जांच दौर लिखित परीक्षा लिया गया। बीएचएम वेद बहादुर नायब सूबेदार हरभजन सिंह ने चयन का संचालन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एनसीसी गीत से हुई। उद्घाटन करते हुए कॉलेज संरक्षक डॉक्टर ए के दास ने व्यक्त किया कि एनसीसी कैडेट्स को देश सेवा का अवसर प्रदान करता है। नेतृत्व, अनुशासन, एकता, आत्मविश्वास, सम्मान, संचार कौशल विकसित का आदर्श नागरिक बनाने में सहायक है। इस अवसर पर प्रभारी डॉक्टर रंभा, अजय कुमार, शिवशंकर पांडे, शैलेंद्र कुमार, विशाल, अशोक कुमार, विनय कुमार, संजीत कुमार आदि लोग मौजूद थे। नमस्कार, मैं बीएचएम वेद बहादुर सोनारी। आज आरसीएनडी कॉलेज में जो है एनसीसी का न्यू रिक्रूटमेंट इनरोलमेंट का प्रोग्राम है, जो इसमें जो बच्चे पहले भी जो ज्वाइन किए थे, सबसे पहले जो कि 32 बिहार बटालियन में जो सबसे टॉप में से यहाँ का जो आरसीएनडी का जो बच्चे हैं वो आते हैं। तो यहाँ का जो बच्चे हैं हर एक इवेंट में तकरीबन भाग लेते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, बिल्कुल जोश से, जोश के साथ। तो यहाँ का बच्चे अधिकतर पीएम रैली, राष्ट्रपति गार्ड, गार्ड ऑफ ऑनर और इसके अलावा अन्य टीएससी, सीआईटीसी, आईडीएसएससी जैसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है उसमें हिस्सा ले लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसके साथ जो है जो आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, उसमें जो जॉइनिंग के लिए जो करते हैं यहाँ के जो बच्चे हैं जो बहुत आगे निकलते हैं। तो उम्मीद है जो अभी हम जो सिलेक्ट किया है बच्चे, वो इनका भी जो आगे का जो प्लानिंग है, उनका जो एम है, उसके हिसाब से सक्सेस होंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंबुज कुमार दास, संरक्षक, पूर्व प्राचार्य और एनसीसी के पूर्व पदाधिकारी, आज के इस रिक्रूटमेंट कार्यक्रम जो एनसीसी कैडेट्स के लिए आयोजित किया गया है, 32 बिहार बटालियन के पदाधिकारियों के द्वारा जो किया जा रहा है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं शुभकामना करता हूँ अपने न्यू रिक्रूटेड जो भी कैडेट्स हैं उनके लिए। आशा करता हूँ कि जिस तरह भविष्य में भी यहाँ के लड़के काफ़ी अच्छा करते रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली परेड में भी गए हैं और यहाँ तक कि कई छात्र जो है वो एनडीए करके अभी डिफेंस में बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, आर्मी में तो हर साल यहाँ के लड़के जाते हैं। तो उसी तरह ये 32 बिहार बटालियन जिसके अभी सीईओ श्री अशोक कुमार सिंह जी हैं और जिसके जो भी हैं पदाधिकारी, उनके नेतृत्व में इस महाविद्यालय को जो मिल रहा है प्रोत्साहन मिल रहा है, इससे अच्छे रिक्रूटेड यहाँ के छात्र अच्छे जाएंगे जो भविष्य में भी काफ़ी अच्छा करेंगे। मैं शुभकामना करता हूँ छात्रों को, पूर्ववर्ती छात्रों की, और ख़ास करके वो अग्निवीर में भी वो जाएं और अपने जीवन में देश की सेवा के लिए जब भी अवसर मिले सेना में जाएं तो और अच्छा, और भी अगर किसी क्षेत्र में हैं तो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। एक ईमानदार, एक अच्छे व्यक्तित्व वाले, एक समाज सेवी के रूप में, एक समाज के नागरिक के रूप में वो काम करेंगे। मातृभूमि की सेवा के लिए जो भी करना पड़े वो करें, अपने यहाँ तक कि स्वच्छता के लिए ध्यान रखें, पेड़ निश्चित रूप से लगाएं। और इस अवसर पर मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं आज जो आए हुए 32 बिहार बटालियन के जो पदाधिकारी उन दोनों को, इसके अलावा सीईओ श्री अशोक कुमार सिंह जी को, हमारे महाविद्यालय के सीटीओ श्रीमती नीलू कुमारी, श्री अजय कुमार, प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रंभा, श्री हरशंकर पांडे, श्री विशाल, श्री विनय, मीडिया कर्मी श्री प्रकाश और सभी अन्य लोगों को भी मैं धीरे से धन्यवाद देता हूं और शुभकामना करता हूं अपने सभी छात्रों के लिए, सभी जो महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं एनसीसी कैट से, उनकी उनका भविष्य उज्ज्वल हो। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।